तो तुम वहां सलाह करने जाने जाते हो? हाँ अनिति का एहसास हो गया हमें, और गलत किया मैंने सांझे के साथ, धोखा दिया उसे, मैं नहीं रह सकता उसको। तुम्हें क्या लगता है कि उसके भाई इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसे तुम्हारे साथ आने देंगे? नहीं है मेरे हक रखता हूँ उस, वो अपने सारे हक तुमसे तोड़ चुकी है, धोखा दिया है तुमने भाभी को, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। समझ बोल यार, जाऊंगा ना शाहजहां के पास, माफी मांगूंगा उस उसके उसके पैर में गिर जाऊंगा, लेकिन उसको मना लूंगा। तू जानता नहीं है सांझे मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मेरे दोस्त, मोहब्बत में वफादारी और इज्जत सबसे पहले आती है, और जो तुमने उन्हें दी नहीं, वो क्या सोच कर तेरे पास लौटेंगे? कितना समझाया था तुझे मैंने, इन चक्रों में मत पड़, छोड़ दे ये सब, बाज आ जा। अच्छा ये बता, कॉल किसने की थी, भाभी ने खुद? शाहजहां की भाभी की कॉल आई थी, उन्होंने अपने घर बुलाया मुझे। अगर भाभी के कहने पर बुलाया तो ठीक है, पर मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा, वो लोग तुझे कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोई प्लान साजिश हो सकती है। चाहूंगा तो वहां मैं अकेले ही, शाहजहां जो सजा देगी मंजूर कर लेंगे। यार सर मत मत जा यार, सांझे का सामना करना बहुत जरूरी हो गया, अगर ऐसा नहीं किया ना तो जिंदगी भर पछताऊंगा। वो सांझे को दूर करके पछताना नहीं चाहता, बहुत मेहनत करता हूँ उससे, अपने मैं बहुत मेहनत करता हूँ, उसको नहीं खोना चाहते, अपनी जिद अपनी गलतियों की वजह से कितना लालची हो गया था, इतना लालची के रातों रात अमीर होना चाहता था। इतनी मोहब्बत करने वाले को मैंने धोखा दिया, कितने झूठ बोले, बस उसके पास जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा, अपनी गलतियों का एहसास हो गया बस मुझे, अगर ये सब उससे नहीं कहना तो बहुत देर हो जाएगी।